नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जनवरी से शुरू होगा जातीय गणना का काम। बिहार यूपी को जोड़ने वाली बनेगी नई सड़क। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करेगा काम IIT पटना और एम्स। मतदान एवं IIT कर्मियों को मतदान दिवस संबंधी ऐप का दिया जाएगा प्रशिक्षण। दीपक चाहर ने मलेशिया एयरलाइंस पर खराब सर्विस का लगाया आरोप। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जनवरी से शुरू होगा जातीय जनगणना का काम। बिहार में नए साल में 7 जनवरी से जातीय जनगणना के साथ आर्थिक गणना शुरू होगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जाति सह आर्थिक गणना का काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में मकान की गिनती होगी और दूसरे चरण में मार्च में जाति के साथ आर्थिक गणना होगी। वहीं 21 जनवरी तक मकानों की गिनती पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए गणना कर्मियों को 15 दिन का समय दिया गया है। इससे पहले जाति सह आर्थिक गणना के लिए 15 दिसंबर को विपाज में राज्य स्तरीय ट्रेनिंग होगी। इसमें राज्य के सभी 38 जिलों से 10-10 अधिकारी शामिल होंगे। 15 साल बाद सोनपुर मेले में फिर दिखा बाइस्कोप शो। करीब 1.5 दशक बाद विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बाइस्कोप शो एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास तौर से युवा बाइस्कोप के दीवाने नजर आ रहे हैं। करीब 15 साल बाद मेले में अचानक बाइस्कोप दिख जाने से लोगों को अपने बचपन की याद ताजा होती दिख रही है। कई युवा बता रहे हैं कि 20 साल पहले उनके गाँव में बूढ़े बाबा आते थे जो बाइस्कोप दिखाया करते थे, जिसके बाद वह आज सोनपुर मेले में बाइस्कोप देख काफी खुश हैं। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि इसमें पूरे बिहार के बारे में बताया गया है। युवाओं का है कि सभी लोग मोबाइल पर सब कुछ देखते हैं, लेकिन यह यूनिक है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। दूसरी ओर बाइस्कोप का संचालन कर रहे व्यक्ति ने बताया कि इसको युवा लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ऐतिहासिक धरोहर को बचाना, जिसमें सफलता मिल रही है। बाइस्कोप वाले अमित कुमार ने बताया कि उनका बाइस्कोप का मशीन आज से लगभग 600 साल पुराना है। पुस्तक मेले में प्रेमचंद से लेकर शरद चंद अभी भी युवाओं के हैं पहली पसंद। करीब 3 वर्ष बाद पटना पुस्तक मेले के तीसरे दिन रविवार को बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ मेले में पहुंची। लंबे समय के बाद पुस्तक मेले को शहर में फिर से देख लोग काफी उत्साहित दिखे। बता दें कि पुस्तक मेले में देश के कई बड़े प्रकाशन मौजूद हैं। स्टॉल पर प्रेमचंद से लेकर शरद चंद और निराला जैसे लेखक इस बार भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। युवा वर्ग इन पुराने लेखकों को खासतौर से पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, मेले में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भी खूब खरीदी जा रही है। वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। खान पान के स्टॉल पर भी काफी भीड़ लग रही है। सबसे खास बात यह है कि पुस्तक मेले में नुक्कड़ नाटक लवर्स रिटर्न को पेश कर कलाकारों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बिहार यूपी को जोड़ने वाली बनेगी नई सड़क। अब बिहार से उत्तर प्रदेश जाना और भी आसान होगा, क्योंकि बिहार के बेतिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बीच नई सड़क बनेगी। इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली सड़क का अलाइनमेंट मंजूर हो गया है। जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसकी विधिवत स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। बताते चले कि इस परियोजना का 27.18 किलोमीटर हिस्सा बिहार में तथा 2.04 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में बनेगा। इस सड़क के बन जाने से बिहार के पश्चिम चंपारण और उत्तर देश के कुशीनगर, तमकुही राज्य तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। मतदान एवं IIT कर्मियों को मतदान दिवस संबंधी ऐप का दिया जाएगा प्रशिक्षण। 18 एवं 28 दिसंबर को 2 चरणों में निकाय चुनाव के लिए होने वाले मतदान की तिथि जारी होने के बाद तैयारी तेज कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर नए सिरे से मतदान कर्मियों का डेटाबेस अपडेट होगा। आयोग ने कर्मियों के स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति की संभावना के आलोक में कर्मियों का डेटाबेस अपडेट कराकर नियुक्ति पत्र में संशोधन कराने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार सभी कर्मियों का द्वितीय एवं तृतीय प्रशिक्षण होगा, जिसमें पहले चरण के मतदान में शामिल होने वाले कर्मियों को एक अतिरिक्त प्रशिक्षण 10 से 12 दिसंबर तक कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं अभी मतदान कर्मियों एवं IIT कर्मियों को मतदान दिवस संबंधी ऐप का प्रशिक्षण दिया जाएगा। काली कमाई को छिपाने के लिए भ्रष्ट इंजीनियर ने लिया किराए पर घर। बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर की काली कमाई का काला चिट्ठा खुल गया है। घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के घर से 1 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद संजीत कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संजीत कुमार पर नोटों की बारिश इस कदर हो रही थी कि उसे छुपाने के लिए उसे किराए का घर लेना पड़ा। पटना के गर्दनीबाग के जिस मकान में वह रहते थे, वहीं के पड़ोस में उन्हें किराए का मकान
सामान ले रखा था। इसका इस्तेमाल वो घुसखोरी में आई काली कमाई को छिपाने में करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी निगरानी विभाग ने बड़े ही चालाकी से अच्छी तरह से सभी ठिकानों का पता लगाकर छानबीन की। शनिवार को तड़के तक चली तलाशी के दौरान सजीत कुमार के घर से 1,08,72,000 रुपए कैश बरामद किए। इसके बाद 27 लाख के जेवर बैंक लॉकर में भी मिले। रिश्वत मांगने के आरोप में संजीत कुमार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं संजीत कुमार को अदालत में पेश करने के बाद शनिवार को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को ही बताया डेडिकेटेड कमीशन। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन संशय के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के पहले ही 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था। इसके ठीक बाद 30 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर बिहार में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके बाद बीते दिन राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बीते दिन एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में घोषित किया है। इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई, जिसके आधार पर बिहार में 18 और 28 दिसंबर को 2 चरण में नगर निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो तर्क कोर्ट में रखा जाता है उसे कोर्ट स्वीकार करती है या फिर नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लगेगा। बिहार में शुरू हुई G20 बैठक की तैयारियां। बिहार के साथ साथ देश भर के लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि अपने देश के प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहां दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी होंगी। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी अगले साल मार्च में राज्य में होने वाले G20 वार्ता समूहों की बैठकों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पटना में 6 और 7 मार्च को बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 250 हस्तियां जुटेंगी। इसमें भाग लेने वाले अतिथियों को बिहार संग्रहालय दिखाया जाएगा, साथ ही राजगीर, नालंदा और बोधगया का भी भ्रमण कराया जाएगा। यह जानकारी कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने दी है। इस दौरान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटकों के आकर्षण को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर IIT पटना और एम्स करेगा काम। IIT पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TNC ने कहा कि आज के दौर में मेडिकल के क्षेत्रों में AI की उपयोगिता बढ़ गई है। आने वाले समय में AI पर और भी अधिक काम होगा। डॉक्टर्स को सटीक और तुरंत जानकारी के साथ निदान मिल जाए, इसके लिए भी IIT पटना काम कर रहा है। IIT और एम्स जैसे संस्थानों को मानव जाति की मदद के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। एम्स पटना के फिजियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन कुमार ने बताया कि रोगी डेटाबेस का उचित उपयोग करके बीमारियों का सटीक पता लगाने और निदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 50 वर्ष के अधिक आयु वाले डॉक्टर नहीं बन सकेंगे सिविल सर्जन। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अब 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के डॉक्टर सिविल सर्जन नहीं बन सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग यह खास पहल करने जा रही है। दरअसल यह पहल राज्य के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल राज्य के अंदर अधिकतर सिविल सर्जन की आयु 50 वर्ष से अधिक है और इनकी कार्यशैली को लेकर हर बार सवाल उठते रहते हैं। इसी को देखते हुए यह कार्य योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सिविल फील्ड के लिए सबसे सक्षम और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, ऐसे में उनका फिट होना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बिना उचित वजह के अस्पतालों द्वारा मरीजों को रेफर करने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई करने की योजना बन रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की इस कार्यशैली में सुधार को लेकर रेफरल पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस बार की कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया जाएगा। नए साल पर पटना के चिड़ियाघर में दिखेंगे ये नए मेहमान। पटना जू में नए साल पर वाइल्ड डॉग, ब्लैक स्वान, गौर और नर जेब्रा आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। पहले जू में एक मादा जेब्रा थी और गौर का पिंजरा खाली था। ऐसे में जू प्रशासन की ओर से लगातार जानवरों को लाने के लिए विभिन्न जू से बातचीत जारी थी। इसमें मैसूर जू से बातचीत का एडवांस स्टेज पूरा हो चुका था और उनकी ओर से सेंट्रल जू अथॉरिटी को कंसेंट भेजा जा चुका है। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसे मंजूर कर लिया है। अगले वर्ष नए साल में आपको पटना जू में बाघ, अफ्रीकी शेर, ब्लैक स्वान, वाइल्ड डॉग, साउथ अफ्रीका की जिराफ, डबल हॉर्न राइनो, इम्पाला, घड़ियाल आदि नए जानवर दिखेंगे। मालूम हो कि पटना जू में पहले से भी काफ़ी वन्य जीव रखे गए हैं। यहाँ शेर, बाघ, जिराफ, जेब्रा और गैंडा प्रमुख आकर्षण हैं। पक्षियों की ढेरों प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं।
तेजस्वी यादव भोला यादव के साथ पहुंचे सिंगापुर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सोमवार यानी 5 दिसंबर को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। पिता के ऑपरेशन के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और वन पर्यावरण एवं जलवायु तेज प्रताप यादव भी वहां रहेंगे, जिसके लिए तेजस्वी यादव शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव के साथ दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। बताते चले कि लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी दूसरी बेटी रोहिणी खुद हैं। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया था कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य का किडनी मैच हुआ है, इसलिए वे ही अपना किडनी पिता को दे रही हैं। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन की पूर्व की तैयारी आज से शुरू कर चुकी है। भाजपा प्रवक्ता ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा को बदनाम करने के लिए जदयू द्वारा जारी फर्जी वीडियो पर भाजपा ने अब कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के बाद नंबर वन नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दिनों जदयू पार्टी में साइडलाइन होने के कारण सुर्खियों में आने की बुरी तरह बेचैन है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो जारी किया। झूठ पकड़े जाने पर वीडियो डिलीट कर दिया, जो कि शर्मनाक हरकत है। उन्होंने आगे कहा कि कुढ़नी के जदयू प्रत्याशी पर शराब पीने पिलाने और अवैध शराब धंधे में शामिल होने का आरोप है, लेकिन नीतीश कुमार की यह पार्टी बेशर्मी से भाजपा को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो जारी कर रही है। दीपक चाहर ने मलेशिया एयरलाइंस पर खराब सर्विस का लगाया आरोप। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने मलेशिया एयरलाइंस पर खराब सर्विस का आरोप लगाया है। दरअसल दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर मलेशिया एयरलाइंस पर कई आरोप लगाए। दीपक चाहर ने ट्वीट करके कहा कि न्यूजीलैंड से ढाका आते वक्त मलेशिया एयरलाइंस ने उनका सामान खो दिया और बिजनेस क्लास में सफर करते वक्त भी उन्हें खाना नहीं दिया गया। चाहर ने ट्वीट में लिखा कि मलेशियाई एयरलाइंस से यात्रा करना बहुत बुरा अनुभव रहा। पहले उन्होंने हमारी फ्लाइट बदल दी और इसकी जानकारी तक हमें नहीं दी, और फिर बिजनेस क्लास में भोजन भी मुहैया नहीं कराया। अब हम पिछले 24 घंटे से अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कल हमें मैच खेलना है। बिहार में ये हैं आज के पेट्रोल डीजल की कीमत। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर और वहीं डीजल 95 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, सुजय कुमार, रुपेश रोशन, विजय राय, रंजीत मिश्रा, अजीम फिरदौस, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नए साल में आप बिहार के किस पर्यटक स्थल पर घूमना पसंद करेंगे। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।